हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जॉब अड्डा में स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू अपडेट के साथ आया हूं। तो 11 अक्टूबर से नए समय पर चलेगी ये नौ क्लोन स्पेशल ट्रेन। देखें पूरी सूची, जानें टाइम टेबल। तो यहां पर आप लोगों को जो 11 अक्टूबर से चलने वाली नौ क्लोन स्पेशल ट्रेनें हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। एक एक ट्रेन के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूँगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोगों को ये नौ क्लोन स्पेशल ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक एक न्यू वीडियो का जो अपडेट है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IRCTC इंडियन रेलवे अपडेट, 11 अक्टूबर से नए समय पर चलेगी ये नौ क्लोन स्पेशल ट्रेनें। देखें पूरी सूची, जाने टाइम टेबल क्या होगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने 11 अक्टूबर से नौ क्लोन स्पेशल ट्रेनें के विभिन्न स्टेशनों पर आवागमन और प्रस्थान समय में परिवर्तन किया है। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों के समय में परिवर्तन हुआ है। ट्रेन संख्या यहां पर आप देख सकते हैं कि 02573 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर जंक्शन स्टेशन 16:40 पर पहुंचेगी, और यहां से जो है 16:50 पर ये ट्रेन छूटेगी। आगे जैसे कि देख पा रहे हैं कि ट्रेन संख्या 02569 दरभंगा नई दिल्ली स्टेशन से 19:55 में जो है पहुंचेगी, और यहां से 20:05 पर ये छूटेगी, तथा कानपुर सेंट्रल से जो है 21:35 में ये पहुंचेगी और 21:40 पर ये छूटेगी। और यहां पर जैसे देख सकते हैं कि 02570 नई दिल्ली से दरभंगा कानपुर सेंट्रल स्टेशन ये जो है 18:25 में जो है यहाँ पहुँचेगी और 18:30 में ये गाड़ी छूटेगी। और यहाँ देख सकते हैं कि एसबाग स्टेशन 19:40 में जो है यहाँ पहुँचेगी और 19:50 में यहाँ से ये ट्रेन छूटेगी। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि ट्रेन संख्या 02563 सहरसा से नई दिल्ली एसबाग स्टेशन 20:15 पर ये पहुँचेगी और 20:25 पर ये गाड़ी छूटेगी। ट्रेन संख्या 02564 नई दिल्ली से सहरसा एसबाग स्टेशन 1:25 पर ये पहुँचेगी और 1:35 पर यहाँ से ये छूटेगी। ट्रेन संख्या 04651 जयनगर से अमृतसर और जयनगर से 4:15 पर ये प्रस्थान करेगी और दरभंगा से 5:25 पर ये पहुँचेगी। 5:30 पर ये वहाँ से छूट जाएगी गाड़ी। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि समस्तीपुर से 7:00 पहुँचेगी और 7:25 में जो है ये यहाँ से गाड़ी खुलेगी। मुजफ्फरपुर में जो है 8:20 में पहुँचेगी और यहाँ से 8:25 में जो यहाँ से गाड़ी छूटेगी। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि छपरा में जो है 11:10 पर पहुँचेगी और 11:20 में यहाँ से छूटेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि शाहगंज 16:55 में पहुँचेगी और 17:20 पर छूटेगी। ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद से दरभंगा शाहगंज 23:25 में यहां पर पहुंचेगी और 23:50 पर छूटेगी। छपरा जो है 4:50 पर पहुंचेगी और यहां पर देख सकते हैं 4:55 पर छूटेगी। मुजफ्फरपुर 7:00 पहुंचेगी और यहां पर देख सकते हैं 7:05 पर छूटेगी। और यहां पर आप आगे जैसे कि देख पा रहे हैं कि समस्तीपुर 8:30 में यहाँ पर पहुँचकर 8:55 में यहाँ से छूटेगी और दरभंगा 8:30 में पहुँचेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी संख्या 09466 दरभंगा अहमदाबाद मुजफ्फरपुर ये 5:20 में पहुँचकर 5:25 में छूटेगी। छपरा 8:30 पर पहुँचकर 8:40 में छूटेगी। इस प्रकार शाहगंज 13:45 में पहुँचकर 14:10 में छूटेगी। ट्रेन संख्या 05485 कटिहार अमृतसर खगड़िया और यहां से ये गाड़ी देख सकते हैं कि 18:40 में पहुंचेगी और 18:42 में खुलेगी। वहीं बरौनी
1945 में पहुंचकर 1950 में खुलेगी। इस तरह से आपका ये इतना सारा ट्रेन था, 9 स्पेशल क्लोन ट्रेन। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ, ट्रेन संख्या और यहाँ पर कब खुलेगी, कहाँ से कहाँ के लिए। तो ये सब सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो आप लोग इसको पूरा अंत तक अगर आप देखे हैं तो तभी आप लोगों को ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि हर एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।